मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज भेज दी है लखनऊ यूपी में, उनके खिलाफ सात मुकदमे थे और पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप मेरी एक स्क्रीन पर देख रहे हैं मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर को कल सुप्रीम कोर्ट से रिहाई दे दी गई, जमानत पर रिहा किया गया और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट लोगों के सामने आया तो गोदी मीडिया के तमाम एंकरों की छाती पर सांप उलट गया और तमाम तरीके की दलीलें देने लगे और फिर समझाने लगे डेफिनेशन जुबैर और नुपुर को लेकर के। आप स्क्रीन पर नुपुर देख रहे हैं जहां नुपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी दलीलें दी उसको बताने की कोशिश की और मोहम्मद जुबैर को लेकर के क्या दलीलें दी उसको समझाने की कोशिश की। पर सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के ऊपर अपनी दलीलें दी और रिहा कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले ये एंकर कौन हैं, जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को आपके सामने रखूंगा पर सबसे पहले आपको बता दें कि जब मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल से रिहा हुए तो उनके पहले वीडियो ने ही तहलका मचा दिया। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज भेज दी है लखनऊ यूपी में, उनके खिलाफ सात मुकदमे थे और आपने ये वीडियो देखा और इससे ज्यादा जो चर्चा का केंद्र बना वो था मोहम्मद जुबैर का सामने आना, जो कि ऑल न्यूज के ऑनर प्रतीक सिन्हा के साथ दिखाई दिए। ये तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर ने गोदी मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा चढ़ दिया। ये वही गोदी मीडिया है जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए पैसे लेकर के ट्वीट करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रिहा कर दिया, और ये वही गोदी मीडिया है जो ये बताने की कोशिश कर रहा था जब मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था तो ये बता रहा था कि पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, देश को बदनाम करने वाले देश के गद्दार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, खुद ही जज बन करके अपने फैसले सुनाने लगे। और जब जज बन करके फैसले सुनाने लगे तो कल जब 23 दिन बाद मोहम्मद जुबैर को रिहा किया गया तो अब नुपुर शर्मा की दलीलों को और जुबैर की दलीलों को सामने रखा जाने लगा, जहां ये बताने जाने लगा नुपुर के दलीलों पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भड़काऊ भाषण देने के लिए देश भर में जिम्मेदार हैं, आपने ये बयान क्यों दिया, सख्त फटकार लगाई नुपुर शर्मा को। और मोहम्मद जुबैर के मामले में जो कि एक ट्वीट किया गया था, जज ने कहा कि ये पत्रकार को आजादी है कि वो क्या दलीलें रखना चाहता है, आजादी को छीना नहीं जा सकता जिस तरीके से आप पत्रकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इन दोनों डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की, पर जो ये गोदी मीडिया डेफिनेशन नुपुर और जुबैर को लेकर के समझा रहे हैं, पहले इस पूरे रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट के कद को बढ़ाने वाला है, ये हमारी जमानत से बचाने वाली निचली न्यायपालिका की सड़ंग को भी रेखांकित करता है। यही वजह है कि जुबैर को 23 दिन के अन्यायपूर्ण जेल हुई। एक देश में दो विपरीत न्यायिक दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए शक्ति का बेशर्मी से दुरुपयोग और जमानत से इनकार के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो वहीं नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से बचाना सुप्रीम कोर्ट में साझेदारी, ठीक उसी तरह की छूट मोहम्मद जुबैर को भी दी जानी चाहिए। और कई अन्य लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295A FIR का सामना करना पड़ा।
एक कानून के इस दिखावे का लगभग एक सदी तक दुरुपयोग किया गया और अब इसे बंद किया जाना चाहिए। मोहम्मद जुबैर से मेरा ना कोई रिश्ता है और ना ही कोई जान पहचान है। जुबैर ना मेरी जाति का है, लेकिन उसकी रिहाई से मुझे खुशी है। जुबैर को जिन आरोपों के बिना पर गिरफ्तार किया गया था और जिन हालात में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें देखकर सरकार और पुलिस की बदनीयती साफ दिखाई दे रही थी। जुबैर को उसकी कथित बेईमानी के लिए नहीं बल्कि अपनी साफागोई की वजह से पूरे 23 दिन जेल में रहना पड़ा। जुबैर की गिरफ्तारी से सवाल ही सवाल खड़े हो गए थे। हिंदुस्तान को जब से हिंदुस्तान बनाने की जोरदार मुहिम शुरू हुई है, तब से रोज तमाशे हो रहे हैं। किसे गिरफ्तार करना है और किसे खुला छोड़ना है, ये पुलिस नहीं सरकार तय करती है और अतः फैसला अदालतों को करना पड़ता है। पहले से काम बाढ़ की शिकार अदालतें इन बेअसर पैर के मामलों को सुलझाते सुलझाते थकी सी नजर आने लगी हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ट्वीट के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर पर बाद में साजिश और सबूत को नष्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था। जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी में दिल्ली पुलिस ने 3 नई धाराएं 201 सबूत नष्ट करने के लिए प्रारूप फोन और हटाए गए ट्वीट्स 120 भी आपराधिक साजिश के लिए और FCRA के 35 मामले जोड़े थे। दिल्ली की हो या देश के किसी भी भाग की पुलिस जो चाहे सो कर सकती है। पुलिस की शक्तियां हरी कथा की तरह अनंत है। पुलिस केवल सरकार और अदालत की नकेल पड़ने पर ठहरती है। जुबैर की तरह का ही मामला बहन नुपुर शर्मा का भी है। नुपुर से भी मेरा या आपका कोई सीधा रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि वे हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं। एक अलग बात यह है कि वे सत्तारूढ़ दल की पूर्व प्रवक्ता हैं। उन्हें जुबैर की तरह न आज तक गिरफ्तार किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई धारा बढ़ाई गई। अब तो उनकी गिरफ्तारी पर माननीय अदालत ने ही रोक लगा दी है। बहन नुपुर के बयान के बाद देश के 3 अलग अलग हिस्सों में प्रतिक्रिया स्वरूप 2 लोगों की जान चली गई और तीसरा जेरे इलाज अस्पताल में है। जुबैर के ट्वीट से ऊपर वाले की कृपा से पुलिस के अलावा किसी और की भावना आहत नहीं हुई, फिर भी जुबैर 23 दिन जेल की हवा खा गए। जुबैर की तरह देश के आकरण जेल की हवा खाने वाले हजारों जुबैर है और बहन नुपुर की तरह मुकदमे कायम होने के बाद भी हजारों नुपुरे आजाद हैं। इस प्रसंग में किसी तिस्ता सीता तलवार का जिक्र नहीं करना चाहता। उन लोगों का जिक्र भी करना अब गैर कानूनी है जो शहरी नक्सली कहकर जेलों में बंद किए गए हैं और 84 साल की उम्र में जेलों के भीतर ही मार दिए गए। ये विसंगतियां हमारे लोकतंत्र के साथ जन्मी हैं और शायद उसी के साथ ही दूर होंगी। जो दलीलें नुपुर और जुबैर को लेकर के देने की कोशिश हमारा गोदी मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया से सीधा एक सवाल कि चलिए मोहम्मद जुबैर ने भावनाएं आहत की, उसके सबूत कोर्ट में पेश हुए या नहीं हुए, 23 दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। यहां नुपुर शर्मा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके, क्या नुपुर शर्मा को एक भी दिन के लिए जेल जाने के लिए ये गोदी मीडिया सरकार को ललकारने की कोशिश करेगा? ये तमाम चीजें मोहम्मद जुबैर की रिहाई के बाद सामने क्यों आई है? ये वही गोदी मीडिया है जो तमाम अंधभक्त नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहते हुए दिखाई दिए थे। बहरहाल मोहम्मद जुबैर अब जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं। तमाम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की बड़ी जीत है। जी हाँ, जीत है एक नाइंसाफी से जिस जुबैर को
दबाने की कोशिश की जा रही थी वो जेल की सलाखों की, बैराके तोड़ करके बाहर आया है। पर हजारों जुबेर अभी भी जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है, जिनको कुचलने की तैयारी सरकार और प्रशासन द्वारा की गई। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।